तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा MIB के बारे में और बताऊंगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तरफ से 8 नए चैनलों का लाइसेंस अप्रूव किया गया है। कौन कौन से चैनल हैं, कब से लॉन्च होंगे, उसके बारे में भी बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के डेटाबेस में 8 नए चैनलों का नाम सामने आया है, जिसमें कुछ चैनल रिब्रांड होंगे और कुछ चैनल बिल्कुल नए लॉन्च होंगे। जैसा कि दोस्तों बता दूं, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सुपर हंगामा के बारे में, जो कि डिज्नी और स्टार की तरफ से चैनल लॉन्च होने वाला है। सुपर हंगामा नाम का जो चैनल है उसका लाइसेंस अप्रूव कर दिया गया है। सुपर हंगामा जो चैनल है, पहले मार्वल HQ जो चैनल अभी आपको देखने को मिलता है, मार्वल HQ को सुपर हंगामा के नाम पर रिब्रांड करके ये लाइसेंस अप्रूव किया गया है। इसके अलावा दोस्तों TV Today नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो TV Today नेटवर्क की तरफ से आज तक बांग्ला नाम का चैनल बहुत ही जल्द आपको सभी DTH और केबल TV के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकता है। तीसरा जो चैनल है दोस्तों, डिजनी चैनल HD आपको जो देखने को मिलता है, वो चैनल बंद होकर आपको वो चैनल शुरू होगा और वहाँ पर UTV HD को रिप्लेस करेगा, यानी कि UTV HD जो चैनल है वो बंद करके डिजनी चैनल HD लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो चैनल है, NHK वर्ल्ड जापान का लाइसेंस अप्रूव किया गया है। उसके अलावा NHK वर्ल्ड प्रीमियम का भी लाइसेंस अप्रूव किया गया है। इसके साथ दोस्तों टाइम्स नाउ नेटवर्क का एक और चैनल आप लोगों के बीच स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लॉन्च होने वाला है। हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा टाइम्स नाउ नव भारत HD चैनल लॉन्च हुआ है और ET नाउ स्वदेश हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों टाइम्स नाउ ने डिसीजन लिया है कि टाइम्स नाउ नव भारत स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों दो और चैनल है SBBC ग्रुप का, जिसमें SBBC 3 चैनल रहने वाला है जो कि कन्नड़ लैंग्वेज का रहेगा, और SBBC 4 रहने वाला है जो कि हिंदी लैंग्वेज का चैनल रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर बात करूं, सुपर हंगामा, आज तक बांग्ला, डिजनी चैनल HD, NHK वर्ल्ड जापान, NHK वर्ल्ड प्रीमियम, टाइम्स नाउ नव भारत, SBBC 3 और SBBC 4 नाम के ये 8 नए चैनल बहुत ही जल्द सभी DTH और केबल TV के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज MIB की तरफ से इन 8 चैनलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ट्रेडमार्क पे लोगो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बहुत ही जल्द ये लॉन्च होगा और सभी DTH केबल TV के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल सकता है। होप सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक डिजिटल हेड इनका कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।